44 किलो गांजा के साथ गांजा तस्कर गिरफ्तार। अकोला जिले के एसपी जी श्रीधर द्वारा गठित विशेष पथक के प्रमुख विलास पाटिल को गुप्त जानकारी मिली कि अमरावती से अकोला वाहन द्वारा गांजा लाया जा रहा है, जिसके आधार पर विशेष पथक ने नाकाबंदी की और शक के आधार पर अपे गाड़ी को रोक कर तलाशी के दौरान 44 किलो गांजा, जिसकी कीमत 4 लाख बताई जा रही है, सहित 10 लाख का मुद्देमाल बरामद किया। साथ ही आरोपी इरफान खान जमीर खान को गिरफ्तार किया, जबकि ड्राइवर वहां से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। घटना अकोला के जूने शहर परिसर की है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित। दहशतवादी विरोधी पथक अकोला ये माननीय पुलिस अधीक्षक जी सिद्धार्थ सर इनके मार्गदर्शन में काम करता है। आज उनको इन्फॉर्मेशन मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि अमरावती से मादक पदार्थ गांजा है अकोला में बेचने के लिए हमजे प्लॉट में आ रहा है। इसके तहत नाकाबंदी करते हुए एक पिकअप वैन पकड़ी गई, जिसमें 44 किलो गांजा पुलिस को मिल गया, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए गांजे की कीमत थी और गाड़ी की कीमत 6 लाख, ऐसा 10 लाख रुपए का मुद्देमाल पुलिस ने आरोपी की तरफ से जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ गुनाह दाखिल करने में आया है पुलिस स्टेशन जूने शहर। यहाँ सर और कितने आरोपी इसमें हैं? सर एक आरोपी जो है इरफान खान जमीर खान राणा रामजा प्लॉट गली नंबर 2 नाकोला, ये भी पुलिस के कस्टडी में पुलिस ने अरेस्ट किया है। और इसको जो मदद करने वाला ड्राइवर था वो ड्राइवर फरार है, वो अमरावती का है ऐसा इसने बताया, तो पुलिस उसकी तलाश कर रही है।